हेलो गाइस, मैं आज हीराकुंड बांध आया हुआ हूँ घूमने के लिए। ये संबलपुर में है और यहाँ से एंट्री है दोस्तों। ये पहाड़ के ऊपर में है, नीचे टिकट कटवा के ऊपर आना पड़ता है। 4 मीनार बोलते हैं ये, यहीं पर से अपन बांध के देखेंगे और अपन आगे चलते हैं 4 मीनार की तरफ। और ये देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल, ये छोटा छोटा सा झरना के जैसे बनाया हुआ है। बीच में दोनों तरफ सीढ़ी है, लेफ्ट तरफ से चढ़ सकते हैं अपन लोग और राइट तरफ से उतरते हैं। पर ये देख सकते हैं कितना ही अच्छा लग रहा है, बीच में है और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। आप लोग को वीडियो में उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा पर आप सामने से देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये आप लोग सीढ़ी देख सकते हैं, बहुत ही संकरा सा है, जगह ही नहीं बनता है जाते हुए। एक आदमी तो आराम से चला जाएगा पर दो आदमी अगर जाना चाहें तो नहीं जा पाएंगे। इधर गार्डन एरिया है और इधर भी ये ब्यूटीफुल सा है, ये अच्छा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ संबलपुर में आके। बहुत फेमस बांध है ये, आप लोग ज़रूर आएँ और मज़ा आएगा आप लोग को भी घूमने में इधर। और दोस्तों यहाँ ट्राली वाला भी है, केबल वाला, जिसमें आप लोग मस्त बैठ के मज़ा ले सकते हैं। यहाँ से नीचे गार्डन की तरफ जाता है, ट्रॉली वाला है, उसमें बैठें और मज़ा आ जाएगा। अपन तो नहीं बैठेंगे, अपन को थोड़ा टाइम नहीं है तो अपन उधर बैठ नहीं पाएंगे। अपन चलते हैं ऊपर मीनार की तरफ और ऊपर मीनार से अपन देखेंगे बांध को। बांध बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, काफ़ी फेमस बांध है इंडिया में और दूर दूर से भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ देखने के लिए। काफ़ी भीड़ रहता है और यहाँ से आप जब ऊपर मीनार की ओर चढ़ के नीचे को देखेंगे तो आप लोग को मज़ा आ जाएगा। अपन लोग चलते हैं, यहाँ टिकट देंगे, यहाँ टिकट काउंटर है, टिकट चेक करने वाला कलेक्टर बैठता है, टिकट कलेक्टर। और दोस्तों यहाँ पर से ये एंट्री है। मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि थोड़ा थका हुआ था मैं। यहाँ पर टिकट देंगे अपन और ऊपर की ओर चलेंगे। यहाँ पर से चेक करता है टिकट को और ये राउंड राउंड है, गोल सा चिमनी के जैसे है, जो प्लांट में रहता है उसी टाइप का है ये। और बीच में रास्ता है और यहाँ से अपन यहाँ चलते हैं ऊपर और जा सकते हैं पर अपन उधर जाएंगे नहीं अभी। और यहीं से आप लोग को दिखा देता हूँ व्यू। और ये सामने दोस्तों देख सकते हैं केबल का जो वो लगा हुआ है, उसमें आप लोग बैठ सकते हैं। 150 या 200 रुपये चार्ज लेता है दोस्तों। यहाँ से आप ऊपर से बैठेंगे, यहाँ पर से ये जो दिख रहा है बिल्डिंग वहीं से बैठेंगे और नीचे गार्डन है उधर ही जाता है ये। और ये देख सकते हैं नीचे पार्किंग एरिया वो दिख रहा है, गाड़ी वगैरह वहीं से अपन लोग आए हैं। और वो सामने जो दिख रहा है वो गार्डन है दोस्तों, वही गार्डन है, वहीं तक जाता है ट्रॉली वाला। और ये मेन अट्रैक्शन जो कि यहाँ फेमस है, बांध अपना बहुत बड़ा बांध है और बहुत लंबा बांध है और सबसे लंबा बांध इसी को बोला जाता है। और ये गार्डन, गार्डन तरफ भी मज़ा आ जाता है, आप लोग जाएं ये देखें एक बार, मस्त भरा हुआ है पानी एकदम। उधर टापू वगैरह भी है और ये नीचे एरिया जिधर से अपन लोग एंट्री लिए थे आप लोग देख सकते हैं। और ये पहाड़ के टीले में है दोस्तों, बांध तरफ तो जाने नहीं देते हैं। और ये आप लोग ब्यूटीफुल सीनरी देख सकते हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ये बदक अदक होना और कामल अमल बना है। और मैं आप लोगों को बता रहा था बांध की तरफ, पास से तो देख नहीं पाएंगे आप लोग बांध को, दूर से ही देख के संतुष्ट होना पड़ेगा क्योंकि पास में जाने की अनुमति नहीं है। जा सकते हैं अगर जाना चाहें तो नीचे तरफ से, पर अधिकतर लोग ऊपर से ही देखते हैं। अगर आप लोग पास से भी देखना चाहें तो जा सकते हैं, गार्ड बैठा रहता है, उससे परमिशन लेना पड़ेगा आपको और उसी के साथ में आप लोग जा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में अपन चलते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा मैं, थोड़ा थका हुआ भी हूँ। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करें। और ये 4 मीनार है, इसके ऊपर खड़ा होकर आप लोग नज़ारा मस्त ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ। ऊपर कैसा, ऊपर कैसा, ऊपर कैसा।